नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो दोस्तों ये चैप्टर छठी कक्षा की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताब का है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर समझाया था क्या कहाँ कब और कैसे, तो ये सेकंड चैप्टर है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये नक्शा है और ये मेरे नोट्स है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक भी कंसेप्ट आपका इस चैप्टर में से मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले हम इस टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं। तो क्या है टाइटल, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। अब देखिए आखेट खाद्य संग्रह और भोजन उत्पादक तक ये दो अलग वर्ड है, इनका मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो आखेट खाद्य संग्रह का मीनिंग क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार। तो उस जमाने के लोग, अब देखिए हम किस जमाने का स्टडी करने वाले हैं, 20 लाख साल पहले के लोगों का स्टडी करने वाले हैं। तो वो जो लोग शिकार करते थे, तो वो लोग खरगोश का शिकार करते होंगे या फिर हिरण का शिकार करते होंगे। तो वो लोग क्या किया करते थे, वो लोग अपनी शिकारों को कलेक्ट किया करते थे। अब वो मतलब प्राणी हो सकते हैं या फिर पेड़ पौधों का भी वो कलेक्शन करते थे। तो इस वजह से उन्हें आखेट खाद्य संग्रह कहा, जब आखेटक खाद्य संग्राहक भी कहा जाता था। तो इधर उधर घूमना, प्राणियों के शिकार करना, उन्हें कलेक्ट करना, तो इसका ये मीनिंग है। और भोजन उत्पादक तक, इसका मीनिंग क्या है कि धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे लोगों को खेती के बारे में पता चलने लगा। लोग फसलें उगाने लगे, फसलों से खेती करने लगे लोग, और लोग एक जगह स्टेबल हो गए, लोग भोजन का उत्पादन करने लगे। तो इन शॉर्ट में अगर आपसे कहो ना, तो इधर उधर घूमने वाले लोगों से लेकर हमें सेटल्ड लोगों का के बीच का जो पूरा जर्नी है ना, वो जर्नी हमें इस चैप्टर में समझना है। तो चलिए समझ लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आरंभिक मानव के बारे में। तो ये जो हमारा भारत का महाद्वीप है, हमें 20 लाख साल पहले के लोगों का स्टडी करना है। अब इन लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक भी कहा जाता था। तो इन लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता था, इनकी बिहेवियर की वजह से, क्योंकि ये लोग इधर उधर घूमते थे, प्राणियों का शिकार करते थे, उन्हें कलेक्ट करते थे, इसके वजह से इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक भी कहा जाता था। अब वो कौन से प्राणियों का शिकार करते थे, तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ खाते थे, चिड़िया खाते थे, फल भी कलेक्ट करते थे, फल हो गए, पौधे हो गए, उसके बाद पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। तो ये सारा मटेरियल उनका खाने का था। अब हम ये समझ लेते हैं कि भाई वो लोग क्यों घूमते थे। अब देखिए हम घूमते हैं, हमारे घूमने के कई रीजन्स होते हैं। हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर से उधर जाते हैं, कई लोग पैसे कमाने के लिए अपना घर छोड़ते हैं, गांव से शहरों में आते, तो कई लोग मतलब हम इस देश से उस देश में जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो हमारे कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं फिक्स कि भाई इस रीज़न से मैं वहाँ जाऊँगा, इस रीज़न से मैं यहाँ जाऊँगी। लेकिन देखिए उस ज़माने के जो लोग थे ना, उनको ना तो एजुकेशन चाहिए था, ना ही उन्हें इधर उधर घूमना था, या ना ही वो पैसे के लिए इधर उधर घूमते थे। उनको सिर्फ अपना पेट भरना था, तीन टाइम का खाना मिल जाए, रहने के लिए कुछ मिल जाए तो ख़त्म, क्योंकि वहाँ एजुकेशन वगैरह कुछ तो था ही नहीं ना। तो वो लोग क्यों घूमते थे कि ये अब हम समझ लेते। तो पहला क्या रीज़न है, आसपास के पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते थे। देखिए मतलब हम ऐसे मान लेते कि भाई यहाँ कई लोग जो थे वो रहते थे, देखिए आप 4-5 महीनों के बाद यहाँ के पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते होंगे, तो यहाँ रहने वाले लोगों को दूसरी किसी जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहना है, उन्हें अपना पेड़ भरना है। सेकंड चीज़ है कि भाई हिरण जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, देखिए वो प्राणियों का शिकार करते थे, और हिरण और कई जानवर होते वो एक जगह नहीं रहते, वो इधर से उधर घूमते हैं, तो उनका शिकार करने के लिए लोगों को भी उनके पीछे भागने पड़ता होगा। और तीसरा रीज़न है कि मौसम की वजह से, देखिए अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ पौधे आते हैं, तो प्राणी भी अलग अलग मौसम में इधर उधर घुमा करते हैं, तो लोगों को भी उनके पीछे भागना पड़ता होगा, क्योंकि उन्हें उनकी नीड्स सेटिस्फाई करनी है। और चौथा रीज़न है पानी की वजह से, देखिए गर्मी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कई झील नदी धरने हो गए ये सूख जाते, तो वहाँ रहने वाले लोगों को तो भाई दिक्कत आएगी ना, तो उन लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस थे लोगों के इधर उधर घूमने के। तो चलिए अब आगे का समझ लेते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि भाई ये आरंभिक मानव जो था, मतलब जो 20 लाख साल पहले के मानवों के बारे में हम चर्चा करने वाले, तो ये जो लोग थे, तो इन लोगों के बारे में हमें किस तरह से जानकारी हुई, तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चा कर लेते। तो हमें इनके कुछ अवशेष मिले, इनकी कुछ वस्तुएं मिले, इनके कुछ औजार मिले, तो इन औजारों से हम पता कर सके कि भाई वो लोग ऐसे थे, वो लोग ऐसे रहा करते थे। तो कई औजार हमें पत्थरों के मिले, तो इनका यूज़ मांस काटने के लिए किया जाता होगा,
उसके बाद कई औजार लकड़ियों के मिले, या फिर लकड़ियों का यूज झोपड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता होगा, हड्डियों के औजार भी मिले, हड्डियों के अवशेष भी मिले। तो हम ये जान लेते हैं कि भाई ये 20 लाख साल पहले के लोग एक्चुअली भारत की, जो भारत का उपखंड है, महाद्वीप है, उस महाद्वीप में कहाँ रहते थे, कहाँ एग्जिस्ट करते थे। तो भीमबेटका, कुर्नूल, और क्या इसका प्रोनाउंसिंग, हुस्गी या फिर हुस्गी करके एक गुफा है, यहाँ लोग रहा करते थे। तो चलिए देखते हो कहाँ का गुफा है। तो ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा रिवर, और ये नर्मदा रिवर है। तो कृष्णा रिवर के, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये, वहाँ हुस्गी, क्या इसका प्रोनाउंसिंग दोस्तों, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिंग मुझे उतना अच्छा आता नहीं, तो यहाँ लोग रहा करते थे, और ये कुर्नूल गुफा है। तो यहाँ ये 20 लाख साल पहले के लोग जो थे वो रहा करते थे, और भीमबेटका गुफाएं रहा करते थे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, हमें यहाँ कॉमन क्या देखने को मिलता है कि ये लोग नदी के किनारे रहा करते थे। ये लोग नदी के किनारे क्यों रहा करते होंगे, देखिए नदी है तो पानी की कोई दिक्कत नहीं। अब नदी के किनारे जंगल तो ऑब्वियसली होंगे, तो पेड़ पौधे वहाँ से उन्हें मिलते होंगे, और प्राणी भी जंगल में रहते, तो प्राणी मिल गए, पेड़ पौधे मिल गए, पानी मिल गया, तो उनकी जो नीड्स थी, बेसिक नीड्स, वो सेटिस्फाई होती थी। इसी रीज़न की वजह से वो लोग नदी के किनारे रहते होंगे। अब देखिए वो लोग ऑब्वियसली डेजर्ट में, या फिर जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ पानी नहीं, वहाँ तो ऑब्वियसली नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें उनका पेड़ भरना है ना। तो इसी वजह से वो लोग इसी ऐसी चीज़ों के मतलब गुफाओं में रहा करते थे, और नदी के किनारे रहा करते थे। अब गुफाओं में वो लोग क्यों रहा करते थे, उसके भी कई उनके फायदे होते होंगे। क्या होता था, बारिश आ जाती थी, धूप आ जाती थी, ठंड लगती थी, तो गुफाएं बहुत अच्छी थी कि वो गुफाओं में जाकर रहते थे। और वैसे ये गुफाएं नदी के किनारे तो है ही, तो ये कुछ रीजंस है कि वो लोग गुफाओं में और नदी के किनारे रहा करते थे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भीमबेटका की गुफाएं है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं, जहाँ हमें प्राचीन औजार, प्राचीन लोगों के अवशेष मिले, उस स्थल को हम गुफास्थल कहते हैं, जिनमें उस जमाने की झोपड़ियों के अवशेष मिले, उस स्थान को हम पुरास्थल कहते हैं। तो चलिए अब नाम और स्थितियाँ समझ लेते हैं। देखिए नाम और स्थितियों में हम पुरा पाषाण युग का क्या मतलब होता है, नव पाषाण युग का क्या मतलब होता है, मध्य पाषाण युग का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे। पहले पाषाण युग का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। देखिए पाषाण मतलब होता है पत्थर, और पुरा पाषाण का क्या मतलब होता है, पुरा का मतलब होता है पुराना। तो पुराने काल को इंडिकेट करने के लिए ये वर्ड यूज किया है। तो चलिए समझ लेते हैं ये युग। देखिए ये टाइमलाइन है, ये 2021 हम आज यहाँ गिर रहे हैं। तो जैसे हम पीछे पीछे जाएंगे तो 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 13,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, 2,00,000 साल पहले, 20,00,000 साल पहले। तो ये टाइमलाइन आपको समझ में आ गई। तो चलिए तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक इस पूरे पीरियड को पुरा पाषाण युग कहते हैं। और 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले, ये 2,000 साल का जो टाइम है ना, उस टाइम को हम मध्य पाषाण युग कहते हैं। और 10,000 साल पहले तक से अभी के वक्त को हम नव पाषाण युग कहते हैं। तो ये पुरा पाषाण युग क्या होता है, मध्य पाषाण युग क्या होता है, और नव पाषाण युग क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो ये पुरा पाषाण युग का डिवाइडेशन आरंभिक पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और उत्तर पुरा पाषाण युग में किया होगा, मतलब किया है। देखो 12,000 साल पहले या 13,000 साल हो गए, 14,000 साल हो गया, 1,00,000 साल हो गया, तो 12,000 से 1,00,000 उत्तर होगा, उसके बाद 1,00,000 से 10,00,000 मध्य होगा, उसके बाद 10,00,000 से 20,00,000 आरंभिक होगा। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई का। तो चलिए देखिए पुरा पाषाण युग में 99% मानव का विकास हुआ। अब जो मानव हम पढ़ रहे हैं ना, वो मानव हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इधर उधर घूमने वाले मानव से लेकर भोजन उत्पादक तक का मानव हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ अब आपको ध्यान में आ गई का। तो मतलब 12,000 साल तक मानव जो था ना, उस जमाने का इंसान, वो एक जगह सेटल हो गया था, वो खेती करने लगा था, वो फसलें उगाने लगा था 12,000 साल पहले। 20 लाख साल पहले क्या करता होगा, इधर उधर घूमता होगा, आखेट का मतलब शिकार का कलेक्ट करता होगा, और उसे हम आखेटक खाते संग्रह कहते थे। और 12,000 साल पहले खेती उसने की, खेती करना शुरू किया था। तो यहाँ से इस जर्नी में 99% मानव का विकास हो गया। अब उसके बाद हम मध्य पाषाण युग पर आएंगे ना, तो मध्य पाषाण युग में क्या हुआ, 12,000 साल पहले पर्यावरणीय बदलाव हुए, पर्यावरण में
एकदम से मतलब गर्मी बढ़ने लगी, उस गर्मी बढ़ने के कारण मैदान बढ़ने लगे, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद अभी मध्य पाषाण युग को, सॉरी मध्य पाषाण को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है, ये मध्य होगा मेरे से, तो लघु पाषाण युग भी मध्य पाषाण युग को कहा जाता है। और मध्य पाषाण युग के बाद 10,000 साल पहले तक के युग को हम नव पाषाण युग कहते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाम और स्थितियाँ। तो चलिए हम फिर से प्रारंभिक मानों पे आते हैं। तो आग की खोज हो गई, अब आग की खोज होने से क्या हुआ, तो आग की खोज कहाँ हुई, कुरनूल गुफाएं। तो कुरनूल गुफाएं कहाँ थी, कुरनूल गुफाएं आई थिंक यहाँ थी। तो कुरनूल गुफाओं में हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो आग की जब खोज हुई ना, तो उससे क्या हुआ, तो आग का लोग किस तरह से उपयोग करने लगे, मांस को भूनने के लिए लोग आग का उपयोग करने लगे। आग के पहले तो वो मांस कच्चा खाते होंगे, उसके बाद आग, उन्हें पता चला कि भाई आग ऐसी ऐसी होती है, तो उससे वो मांस भूनने लगे। उसके बाद प्राणियों को भगाने के लिए लोग वो आग का यूज करने लगे। अब बदलती जलवायु, देखिए क्या हुआ, 12,000 साल पहले वातावरण में एकदम से गर्मी बढ़ने लगी। अब गर्मी बढ़ने के कारण क्या हुआ, मैदान भी बढ़ने लगे। अब मैदान बढ़ने लगे, जो जो प्राणी हो गए या जो जानवर हो गए वो घास पर जीते हैं या फिर घास खाते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। अब जिनमें हिरण हो गया, बांस यहाँ हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, तो उनकी संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि घास वाले क्षेत्र भी बढ़ने लगे। अब जैसे ही उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो उनके शिकारी भी बढ़ने लगे। तो लोग घास वाले क्षेत्र में आ गए, तो लोग क्या करते थे, लोग उनका शिकार करते थे, उन्हें मारते थे और उन्हें खाते थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि वह उस जमाने के लोग किसी बकरी का शिकार करते होंगे, लेकिन लोगों ने ये ऑब्जर्व करा होगा उस जमाने कि भाई अगर हम इस एक बकरी को अभी मार दें तो ये बकरी मर जाएंगी, लेकिन हम अगर इस बकरी को पाले तो ये बकरियों को अगर हम पाले तो ये बकरियाँ प्रजनन करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी, रिप्रोडक्शन से हमें एक बकरी से कई सारी बकरियाँ मिल सकती है, उसके साथ साथ ये बकरी दूध भी देती है, ये गाय दूध भी देती है। तो लोगों ने इन जानवरों का फायदा ध्यान में रखकर लोगों ने इन जानवरों को पालना शुरू किया, वो लोग पशुपालक बन गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो चलिए आगे समझ लेते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने खेती और पशुपालन करना शुरू किया। लोगों ने पहले गेहूँ और जौ ऐसे धान उगाए। तो दोस्तों मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यह किरदर और सुलेमान दो पहाड़ियाँ होती, उन पहाड़ियों पर सबसे पहले गेहूँ और जो ये धान उगाए थे। तो लोग गेहूँ और जौ का धान वो उगाने लगे, वो कृषक बन गए, खेती करने लगे, सेटल लाइफ वो उनकी जीने लगे। और थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि वो लोग फालतू जानवर पालने लगे। सबसे पहला फालतू जानवर जो उन्होंने पाला वो जंगली कुत्ते का पूर्वज था, उसके बाद भेड़ बकरी आ गए। अब बात कर लेते हैं कि भाई बसने की प्रक्रिया के बारे में। तो ये बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई। 12,000 साल पहले शुरू हुई मतलब कब शुरू हुई, जब मध्य पाषाण युग शुरू हुआ ना, तब बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और बसने की प्रक्रिया किसको कहते हैं, पौधों को उगाना और जानवरों की देखभाल करना, इसको बसने की प्रक्रिया कहते हैं। और यह प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई। अब देखिए, लोग फालतू जानवर पालने लगे। लोग देखिए, अब फालतू जानवर और जंगली जानवर, इन दो जानवरों के बारे में डिफरेंस हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये दो सूअर के दांत आप देख रहे होंगे, जो छोटा वाला दांत है ना वो दांत फालतू जानवर का है, और जो बड़ा वाला दांत जो है ना वो जंगली जानवर का है, मतलब जंगली सूअर का है। जैसे जैसे लोग मतलब वो फालतू प्राणी लोगों में आ गए, वैसे वैसे उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज होता गया। वैसे देखिए, हमारा भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना, मतलब पहले मतलब हमारी उत्पत्ति जो है वो मंकी से हम इंसान बन गए, तो पहले मंकी को पूंछ थी, लेकिन जैसे जैसे बदलाव होते गए, पूंछ का यूज जो था वो कम कम हो गया, और एक कंडीशन ये आई कि हम पूंछ का यूज ही नहीं करते थे, तो वो पूंछ ऑटोमेटिकली हमें गायब हो गई। उसी तरह से जो जानवर मतलब जंगलों में घूमते थे, तो उन्हें उनके दांतों का ज़्यादा यूज करना पड़ता था, लेकिन जब भी वो गाँव में आ गए मतलब लोगों के साथ आ गए, तो क्या हुआ कि वो दांतों का उनका यूज़ आई थिंक कम हुआ होगा, और दांतों की साइज से हमें ये पता चलता है। तो जंगली जानवर और फालतू जानवर का फर्क अब आपको समझ में आ गया होगा। और लोग दोस्तों उन्हीं जानवर को पालते थे कि भाई जिनको जिनको उन्हें रखना सिंपल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था जिनको रखने में। और लोग ऐसे ही फसलें लेते थे, फसलें उगाते थे कि भाई जो अच्छी हो और जो जल्दी से जल्दी आती हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए।
तो चलिए अब ये पॉइंट समझ लेते हैं, एक नवीन जीवन शैली। देखिए हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि बसने की प्रक्रिया हमने पढ़ी है, 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लोग पशुपालन करने लगे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि आखेट खाद्य संग्रह, इस मतलब ये लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये लोग कैसे करते थे, इधर उधर घूमना, प्राणियों का शिकार करना, उन्हें खाना। लेकिन लोगों को जब खेती के बारे में पता होने लगा, लोग खेती करने लगे, तब आप देखिए खेती एक मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, खेती कैसी है कि जो हमें एक दिन में खाना नहीं नहीं दे सकती। जबकि हम शिकार में क्या करते, आज मतलब हमने हिरन मारा तो आज वो हिरन आज ही खा सकते, लेकिन खेती में ऐसा नहीं होता कि मतलब हमने वही सोचा कि भाई मेरे को आप खेती करनी है, तो आपने सोचा खेती करनी है, खेत में आप गए, आपने बीज बोया और आज ही आपको उस बीज का दाना आया और आज ही आप और आज ही आपने रोटी बनाई, तो ऐसा खेती में नहीं होता। उसकी एक प्रोसेस होती है। तो उसकी क्या होती है प्रोसेस, पहले आपको बीज बोना पड़ता है, उसके बाद उसकी देखभाल करनी पड़ती है, पौधों को सिंचाई करनी पड़ती है, खपतवार करनी पड़ती है, उसे काटना पड़ता है, उसका भंडारण करना पड़ता है, फिर जाकर तब आपकी रोटी बनती है, और भंडारण करने के बाद उसके उसको रखने के लिए बर्तन रखने पड़ते हैं। तो ये सारा पूरा प्रोसेस होता है खेती का। और तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई देखिए खेती करने के लिए कम से कम आपको मतलब एक साल आपको देना पड़ता है खेती के लिए। तो लोगों को एक जगह रहना पड़ा। मान लीजिए कि भाई यहाँ के लोगों ने सोचा होगा कि चलो भाई हम खेती कर लेते, तो लोगों को यहाँ कम से कम एक साल रहना पड़ेगा ना। लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो भाई अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मतलब फसल वगैरह लोगों ने उगाई और लोगों ने कहा कि चलो भाई अब हम जाते हैं इधर उधर घूमते, एक साल बाद फिर से आएंगे, हम फसलें निकालेंगे। तो ऐसा नहीं होगा ना, लोगों को यही रहना पड़ेगा एक साल, अपने पौधों की अपनी खेती की उन्हें केयर करनी पड़ेगी, तब जाकर उन्हें उनका फल मिलेगा। तो एक लोगों की अलग सी जीवन शैली हो गई, लोग इस तरह से खेती करने लगे, उसके साथ साथ फालतू जानवर भी पालने लगे, जिनमें गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गई। अब देखो बैल हो गया, बैल तो खेती में वैसे ही किसानों को हेल्प करता है। आज हम जो किसान देखते हैं ना, तो आजकल के किसान क्या करते हैं, अपना उनका एक खेत होता है, तो उनके खेत में वो अपना खेत में ही उनका घर होता है, वही उनके कुछ जानवर होते हैं। तो ये प्रोसेस या फिर आज का हमारा ये जो किसान है ना, ये किसान की शुरुआत यहाँ से बसने की प्रक्रिया से स्टार्ट हुई थी। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब उसके बाद ये समझ लेते हैं कि भाई ये जानवर चलते बिलते खाते थे, ऑब्वियसली थे, क्योंकि ये जानवर प्रजनन कर सकते, एक गाय या फिर एक बकरी कई सारी बकरियों को प्रोड्यूस कर सकती है। उसके साथ साथ हमें ये जानवर दूध देते हैं, उसके बाद मांस देते हैं, उसके बाद अंडे देते हैं। इसी के इन्हीं रीजंस की वजह से हम इन जानवरों को चलते फिरते खाद्य कह सकते हैं। तो चलिए आपको आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे का समझ लेते हैं। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि भाई ये आरंभिक कृषक मतलब ये खेती करने वाले लोग और ये पशुपालक लोग ये भारत के उपखंड में कहाँ एग्जिस्ट करते थे, कहाँ रहते थे। तो चलिए समझ लेते हैं। तो पहले बुर्ज होम में हमें इसके अवशेष पाए गए हैं। तो बुर्ज होम तो उत्तर की तरफ कश्मीर में, उसके बाद ये चिराग में, महागढ़ में, मध्य भारत में महागढ़ कोलडीवा हो गया, चिराद हो गया, उसके बाद ये दाऊजिली टेडिंग हो गया पूर्व में, फिर ये पेयमली हो गया, उसके बाद ये हल्लूर हो गया और मेहरगढ़। देखिए ये जब हम देखते हैं ना, तो हमें इससे ये पता चलता है कि भाई पूरे भारत खंड में, पूरे भारत विश्व में आरंभिक कृषक और पशुपालक थे। ऐसा नहीं था कि भाई मतलब ज़्यादातर उत्तर में थे, ज़्यादातर दक्षिण में थे, लेकिन पूरे भारत में ये आरंभिक कृषक और पशुपालक थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तब आप ये जान लेते हैं कि भाई हमने ये किस तरह से जाना, या हिस्टोरियन जो होते उसने किस तरह से जाना कि भाई यहाँ ही प्रारंभिक लोग रहते थे। देखिए उन्हें उनकी जगह के मतलब उनके प्रारंभिक लोगों के कई अवशेष मिले, जिनमें उनके झोपड़ियों के अवशेष मिले, उनकी जली हुई गेहूँ चावल जो थे उनके अवशेष मिले, तो कई उनके अवशेष मिले। तो उन अवशेषों से हमने ये डिटरमाइन किया या ये सोचा कि वहाँ ऐसी बस्ती हुई होगी। तो ये अब आपको समझ में आ गया। तो ये सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि भाई पूरे भारत भर में, पूरे भारत खंड में कृषक और पशुपालक थे। तो अब ये समझ लेते हैं कि भाई स्थायी जीवन की ओर लोग जाने लगे। देखिए वैसे स्थायी जीवन की ओर लोग जाने लगे, खेती करने लगे, ये इधर उधर घूमना उन्होंने कम किया। उसके बाद हमें पूरा स्थल की झोपड़ियाँ मिली है। तो कहाँ झोपड़ियाँ मिली हमें, बुर्ज होम में, कश्मीर में, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इस जगह हमें क्या मिला, इस जगह हमें कई घर गड्ढे के नीचे हमें मिले। तो ये गड्ढे के नीचे घर क्यों हुए होंगे, मतलब क्यों थे उस ज़माने में,
ये मौसम की पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग इस गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। जब धूप हो जाती थी, ठंड हो जाती थी, तो इससे बचने के लिए ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते होंगे, मतलब होंगे कि हमें एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि हम वहाँ गए तो नहीं ना, और हमारे पास टाइम मशीन भी नहीं है, तो होंगे। हम देखिए, इतिहास जो होता है ना वो इसी तरह से होता है, ये थ्योरी फिजिक्स की तरह नहीं होती। फिजिक्स की जो थ्योरीज होती है ना, वो क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब कई साइंटिस्ट ने मतलब मिलकर उस थ्योरीज पर वो हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके वो थ्योरी बनाते हैं, लेकिन हिस्ट्री का क्या होता है, हिस्ट्री का हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते ना भाई। कल को कोई बहुत बड़ा हिस्टोरियन आ जाए और वो अलग इसकी खोज निकालेंगे और वो खोज वैलिड होंगी, तो वो खोज हमें माननी पड़ेगी। इसी तरह से ये फिजिक्स और हिस्ट्री में आपको इस समय मतलब ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो चलिए समझ लेते, आगे का समझ लेते। तो हमें इन जगहों पर औजार नहीं मिले, तो कई औजार नव पाषाण युग के थे, तो कई औजार पुरापाषाण युग के थे। तो पुरापाषाण युग के जो औजार थे, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो वो बड़े साइज में बड़े थे। अब नव पाषाण युग के औजार थे जो थे वो साइज में बहुत छोटे छोटे थे, तो ये डिफरेंस है दोनों का। उसके बाद वो खाने में क्या खाते थे, चावल और गेहूँ। तो चावल और गेहूँ सबसे पहले कहाँ उगाए गए थे, तो मेहरगढ़ में हमने देखा, ये सुलेमान की दरगाहियाँ पहाड़ियाँ थी, तो उन पहाड़ियों पे पहले जौ जौ और गेहूँ उगाया गया था। तो चलिए, उसके बाद कपास एक आवश्यक पौधा बन गया, मतलब कपास का भी खोज हुई होगी, तो कपड़े बनाना स्टार्ट किया था लोगों ने, तो कपास एक आवश्यक पौधा बन गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हम समझ लेते हैं कि हर जगह अलग अलग परिवर्तन हुए। देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई, 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, और ये प्रक्रिया एक साथ स्टार्ट नहीं हुई। कई ऐसी जगह थे जिन जिन जिनमें ये बसने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, और कई ऐसी जगह थे कि जिनमें बसने की प्रक्रिया स्लो स्लो स्टार्ट हुई। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा ना, तो आगे के चैप्टर में हम ये जानने वाले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति, ये हम आगे के चैप्टर में जानने वाले। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, वो बहुत आगे के, मतलब बहुत आगे के लोग थे। उनके घरों का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, या फिर उनके रहने का पूरा स्टाइल, या फिर उनका मतलब पूरा रूटीन, उनका सोशल लाइफ, उनका इकोनॉमिक लाइफ, ये बहुत ही आगे के लेवल का था। तो वो कहाँ थे, तो आई थिंक यहाँ सिंधु नदी के किनारे, ये सी यहाँ कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। अगर उन्हीं के पीरियड में हम यहाँ अगर आते हैं ना, तो यहाँ के लोगों की उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि जितनी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की हुई थी। मुझे क्या कहना है दोस्तों, कि हर मतलब भारत के हर खंड में या हर जगह पर एक साथ ही बसने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु नदी के मतलब यहाँ वो सबसे पहले स्टार्ट हुई, उसके बाद धीरे धीरे वो यहाँ फैलने लगी, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए, तो अब हम मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है यहाँ। तो ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग मेहरगढ़ से जाता है, तो मेहरगढ़ ईरान जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। उसके बाद ये मेहरगढ़ हरा भरा है, अब हरा भरा है तो उसमें गेहूं और जौ आएंगे ही। देखिए, गेहूं और जौ यहाँ क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने मेरे पहले चैप्टर में बताया था कि यहाँ सुलेमान और किरदर काड़िया पहाड़िया है, सॉरी पहाड़िया है, और उन पहाड़ियों पर सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया था। और हमें यहाँ प्राणियों के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें भेड़ हो गया, बकरी हो गई। उसके बाद घरों का आकार, अगर हम मेहरगढ़ में जो हमें अवशेष मिले घरों के, तो उन घरों का आकार आयताकार था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे इंटरेस्टिंग अवशेष हमें यहाँ मेहरगढ़ में मिले, तो वो ये मिले हैं कि कब्र के साथ बकरी भी मतलब थे, मतलब थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो, एक आदमी की कब्र आप देखते होंगे और उसी के पास एक बकरी की भी कब्र है। तो मतलब उस जमाने के लोगों की ये ऐसी भावना होगी कि भाई इंसान की मरने के बाद भी आत्मा होती है, मरने के बाद भी उसे खाने की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से हमें कब्र के साथ बकरी देखने को मिलती है। वैसे अगर हम ईरान की बात करें ना, तो ईरान में भी ऐसे बड़े बड़े पिरामिड्स होते थे, मतलब उनके जब राजा या रानी मर जाते थे, तब उन्हें एक मम्मी, मतलब आपको पता होगा मम्मी, एक मम्मी होता है, तो उसमें बिठाया जाता था और उस पिरामिड में रखा जाता था। इसी तरह से कि कुछ ऐसी मानसिकता हमारे भारत में भी थी, कब्र के साथ बकरी रखना कुछ कुछ वगैरह। अब उसके बाद हम अन्यत्र के बारे में जान लेते। तो ये अन्यत्र क्या होता है, जिस समय हमारे भारत खंड में हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसी समय पूरे वर्ल्ड में या दुनिया में क्या हो रहा है, इस करके एक अन्यत्र करके एक पैराग्राफ होता है, तो ये समझ लेते। तो पहले हम समझ लेते कि फ्रांस फ्रांस की उपाय।
तो फ्रांस आपको एटलस में पता होगा कि कहाँ है। तो चार फ्रांस के स्टूडेंट ने 10,000 या और 20,000 साल पहले की गुफाएं खोजी थी। 10,000 से 20,000 साल पहले की गुफाएं चार फ्रांस के स्टूडेंट ने खोजी थी। अब उन गुफाओं पर उन्हें कई ऐसे चित्र मिले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये चित्र गाय के, भैंस के, गेंडों के हो सकते हैं मतलब। और ये जो चित्र जो थे ना, वो लोह अयस्क और चारकोल, इन खनिजों से बनाए गए थे। तो आपको सही समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम तुर्की की भी बता देख लेते हैं, तुर्की देश भी आपको बताऊंगा। तो उस देश में हमें कई चीज़ों के अवशेष मिलते हैं, या फिर इससे हमें क्या अंदाज़ा लगता है कि भाई लोग वहाँ आते थे, लोग व्यापार करते थे, या फिर इधर उधर घूमते थे, इस बात से हमें ये पता चलता है। तो यही दोस्तों कुछ अन्यत्र में हमें बताया दिया गया, ये मतलब ये इतना उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो चलिए समझ लेते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य पाषाण युग का प्रारंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, 2,000 साल, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले। टाइमलाइन पर मैंने आपको समझाया था, 2,000 साल का पूरा मध्य पाषाण युग था। उसके बाद बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले, मतलब जब मध्य पाषाण युग का स्टार्ट हुआ तब से बसने की प्रक्रिया का भी प्रारंभ हुआ। उसके बाद नवपाषाण युग का प्रारंभ कब से हुआ, कब से शुरू हो गया? 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब से हुआ? 8,000 साल पहले। तो अगर हम टाइमलाइन के बारे में अगर हम देखेंगे ना, तो टाइमलाइन मैंने आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले, फिर एक बार समझाता हूँ। तो ये 2021 हो गया, ये मतलब 1995 थे, हमें ऐसे पीछे पीछे जाना है। तो हम ऐसे जाएंगे कि भाई 10,000 साल पहले, 110 के, उसके बाद 12,000 साल पहले, उसके बाद 8,000, ये 8,000 साल पहले। तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो कई लाखों साल पहले, तो 1 लाख साल पहले। तो अब देखिए, तो 12,000 से 10,000 दरमियान, तो ये हो गया मध्य पाषाण युग का पार्ट। और बसने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई, नवपाषाण युग का यहाँ से स्टार्ट हुआ, नवपाषाण युग 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती यहाँ से स्टार्ट हुई। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये चैप्टर बुक में जाइए, बुक में पढ़िए। देखिए बुक ऐसी होती है, आप सबको पता होगा, ये बुक आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, मोबाइल फ़ोन पर कहीं भी आपको ये फ्री में इस बुक का PDF मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए। अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं थर्ड चैप्टर आरंभिक नगर, उसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए। ओके।